हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको ड्राई फ्रूट काटना बहुत ही ज्यादा झंझट लगता है, क्योंकि ड्राई फ्रूट जब हम चाकू से काटते हैं, हर किसी के पास कटर अवेलेबल नहीं होता है। जब हम चाकू से काटते हैं तो हमें एक एक काटना पड़ता है इस तरीके से, तो बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट होता है इसमें, और इतना टाइम हम हाउस वाइफ के पास नहीं होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस तरह का कोई भी एक प्लास्टिक का इस तरह का थैली लेनी है, प्लास्टिक बैग लेना है इस तरीके का, और इसे हम ये देखिए यहाँ पर हम सारे बादाम जितने भी हैं उनको हम इसमें डाल देंगे। जितने भी आपको बनाने हैं, और जरूरी नहीं है कि एक बार में आ जाए, मैं यहाँ पर थोड़े से आपको दिखा रही हूँ। आप इसके लिए बेलन का यूज भी कर सकते हैं, और आप इसके लिए इस तरह से खलबट्टे का भी यूज कर सकते हैं। इसको इस तरीके से पकड़ना है ऊपर से, और इस तरह से हमें ठोकना है। ये देखिए थोड़ा सा ही ठोकने से इसमें कितनी सारी ये बादाम है वो अच्छे से हमारे कुट रहे हैं। ये देखिए सारे बादाम को मैंने एक जैसा महीन कर लिया है। जितने भी छोटे छोटे टुकड़ों में हमें जरूरत है, उतने उतने छोटे टुकड़ों में हमने इसे कर लिया है। तो अब हम इसे यहाँ पर ये देखिए कितने ही छोटे छोटे पीसेस में हमने कट कर लिया है, और बहुत ही जल्दी हमारे ये पीसेस में हो गए हैं। इसी तरह से हम काजुओं को भी कर लेंगे, आपकी समय की बचत होगी और काम भी बहुत आसान हो जाएगा। चाकू से जब हम काटते हैं तो एक एक काटना पड़ता है, तो आपको इस तरह की छोटी छोटी ट्रिक मेरी किस तरीके की लगती है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। देखिए काजू को भी मैंने इसी तरीके से कर लिया है। अगर आप रायते के लिए इस तरह से भतुए को बॉईल कर रहे हैं तो आप उसमें एक चीज जरूर डाल दें, थोड़ी सी हरी मिर्च और एक इंच अदरक के टुकड़े को इस तरह से काट कर इसके साथ साथ बॉईल कर लें, तो आपका रायता बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेगा। और एक बार आप इस ट्रिक को जरूर अपनाएं। अगर आपको मेथी काटना बहुत ही ज्यादा झंझट लगता है तो आप इस तरीके से मेथी काटें, आपकी मेथी बहुत ही ज्यादा महीन कटेगी और आपको काटने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह से मेथी को पहले इकट्ठा कर लें, एक इस तरह से एक रोल सा बना लें मेथी का। ये देखिए हाथों से दबाते हुए एक रोल सा बना लें इस तरीके से, और यहाँ से रोल बनाते हुए हमें इस तरीके से बीच से कट करना है इसे। तो ये देखिए दो पार्ट में ही हमारी डिवाइड हो गई है, तो इस तरह से हमें अब इसे इकट्ठा करना है। और जो भी मेथी है यहाँ पर इस तरह से, इसको भी हमें इसी के नीचे दबा लेना है। इस तरह से अगर आप काटेंगे तो आपकी मेथी बहुत ही ज्यादा महीन कटेगी, ना आपको कोई कटर की जरूरत पड़ेगी और ना चॉपिंग बोर्ड की। यहाँ पर मैं स्लैब पर इसे काट रही हूँ, जो किचन प्लेटफॉर्म होता है उस पर। तो ये देखिए चाकू है, और जो नॉर्मल चाकू हम घर में यूज करते हैं उसी से काट रही हूँ। तो इस तरह से कट करना है। पहले पत्तों को थोड़ी सी शुरू शुरू में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, बहुत कम कम कटेगी, फिर बाद में बहुत ही अच्छे से ये मेथी कटकर तैयार होगी।
आपको कोई भी इसमें थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा पार्ट दिखे तो इस तरह से आप अलग करके इसे साइड से लगा लें, इसी के अंदर लगाते जाएं और मेथी को हमें कस करके इस तरह से दबाना है। और इसे हमें चारों तरफ से इस तरह से घुमाते जाना है, जहां से ये देखिए इस तरीके से, और मेथी हमारी चारों तरफ से कटती जाएगी। अगर आप एक ही जगह पर रखेंगे तो यहाँ से आपकी मेथी नीचे की साइड से कट जाएगी ऊपर, और इसे हमें चारों तरफ से इस तरह से घुमाते जाना है, जहां से ये देखिए इस तरीके से, और मेथी हमारी चारों तरफ से कटती जाएगी। अगर आप एक ही जगह पर रखेंगे तो यहाँ से आपकी मेथी नीचे की साइड से कट जाएगी, ऊपर की साइड से नहीं कट पाएगी। तो ये देखिए इस तरह से नीचे से हमारा स्पेस थोड़ा कम है, ऊपर से ज्यादा है। इस तरह से थोड़ा घुमाएंगे और फिर से हम इसे काटना शुरू कर देंगे। तो ये देखिए बहुत ही कम समय में हमने कितनी ही बारीक सी ये मेथी काट कर रख ली है। इस तरह से हम मेथी को बहुत आसानी से बहुत ही छोटे छोटे पार्ट में कट कर सकते हैं। आप जितनी भी महीन काटना चाहते हैं इसी तरह से काट लें। ये देखिए मैंने पहले भी काट के रखी थी मेथी, तो मैंने बहुत ढेर सारी मेथी काट ली है बहुत ही कम समय में। इसी तरह से मैं काट कर इसे स्टोर करके रखती हूँ। स्टोर करने के लिए सबसे अच्छा आइडिया है, आप इसे 6 से 7 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, आपकी मेथी बिल्कुल खराब नहीं होगी। तो एक न्यूज़पेपर लेना है, ये देखिए मैंने न्यूज़पेपर पे पहले से ही इस मेथी को रख रखा है। तो इसे हम पूरा खोल लेंगे न्यूज़पेपर को, क्योंकि हमें इसे कवर करना है। जब हम मेथी काट लें तो हमें इस तरह से न्यूज़पेपर लेना है, उसको इस तरह से कवर करते हुए मेथी को हमें चारों तरफ से कवर कर लेना है और इस तरह से एक पोटली बना देनी है इसकी। ये देखिए इस तरीके की एक पोटली बनानी है, और एक हमें पॉली बैग लेना है, इस तरह से जो ग्रोसरी बैग आते हैं प्लास्टिक का, उसे लेना है और इस तरह से इसे भी कवर करते हुए हमें एक इसमें नॉट कर देना है। ये देखिए इस तरह से, यकीन मानिए आपकी ये मेथी कटी हुई मेथी आपकी 6 से 7 दिन तक बिल्कुल खराब नहीं होगी। अगर आप पत्तेदार मेथी को यानी कि स्टोर करना चाहते हैं तो इसे भी आप इसी तरीके से करें, और इसे आप 10 से 15 दिन तक बिल्कुल ये मेथी खराब नहीं होगी। जैसे इसके पत्ते हैं बिल्कुल वैसे के वैसे ही रहेंगे, उतनी ही फ्रेश रहेगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।